नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो ऑल इंडिया इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ था, जिसमें सारी इकोनॉमिक्स पे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वो सारी इकोनॉमिक्स को जो एसएससी सीजीएल में इकोनॉमिक्स आती है उनको कवर कर रहे थे। ये टेस्ट इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये इकोनॉमिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है और वो एक अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। जब आप ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आंसर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल और थ्योरेटिकल सारी चीज़ों को मिलाकर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर जो स्टूडेंट्स AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और 2016 में काफ़ी जॉब 1000 के आसपास जॉब है वो AAO से रिलेटेड थी। काफ़ी कंपटीशन कम होता है इसमें, तो जो स्टूडेंट्स AAO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक सिलेबस है वो इस इकोनॉमिक्स से कवर हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट है, हम इस पे और भी लेने वाले इस तरह के पूरे टेस्ट जो 100 मार्क्स के, लेकिन अगर आप इस पूरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आप देखेंगे इस टेस्ट में पूरी पूरी इकोनॉमिक्स को डिफरेंट थ्योरी इसमें आती है, वो बैंकिंग सेक्टर है या RBI से रिलेटेड है या इन्फ्लेशन से रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या फिर जो बजट से रिलेटेड है, हर तरह की चीज़ों को ये कवर करने की पूरी कोशिश की है इस टेस्ट के माध्यम से हमने। अब हम डिस्कस करते हैं, हालांकि पूरी डिटेल डिस्कशन हम लोग थ्योरी के माध्यम से कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके सिर्फ बेसिक जानकारी है इस पर वो करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड। जिन स्टूडेंट्स ने पिनेकल का ऑनलाइन कोचिंग कोर्स या हार्ड ड्राइव कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ssccglepinnacle.com, जिससे कि पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 100 क्वेश्चन में हमने इस फर्स्ट प्रेजेंटेशन में 25 क्वेश्चन लेंगे। विच वॉज द इमीजिएट पर्पज अमंग द फॉलोइंग अबाउट डीमोनेटाइजेशन ड्राइव ऑफ 2016 इंडिया। बहुत बड़ी आज़ादी के बाद आप बोल सकते हैं बड़ी डीमोनेटाइजेशन ड्राइव इंडिया में चली, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की ड्राइव है वो बहुत डिफरेंट थी। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव था उसका क्या था, क्या गरीबी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था। हालांकि उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट है कई मायनों में हो सकते हैं, लेकिन जो मेन उसका ऑब्जेक्ट था वो ये था कि काला धन को रोकना, जो करेंसी थी काउंटरफिट करेंसी जिसको बोलते हैं नकली करेंसी, ठीक है, उस करेंसी को से इजाद पाना या उसको रोकना, ये दो तीन मेन मुद्दों में था। और जो टैक्सेशन की चोरी हो रही थी, टैक्स की चोरी हो रही थी, उसको जो टैक्स सिस्टम में लाना, बैंकिंग के जरिए सिस्टम में लाना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो ऑब्वियसली गरीबी रिडक्शन है वो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव नहीं था। डिस्करेज बिगर डिनोमिनेशन करेंसी, अब डिस्करेज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 2000 और 500 के तो नोट आए थे, इसका मतलब इसको डिस्करेज नहीं करना था, बल्कि ये था कि जो ऑलरेडी पुराने नोट थे वो बहुत सारे नकली नोट मार्केट में चल रहे थे, उनको उन पर लगाम लगाना था। टू क्रिएट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ई कॉमर्स कंपनी, जैसे पेटीएम है या जो रिलायंस जियो है या बहुत सारी कंपनियां आ रही है जो कि एयरटेल मनी है, इस तरह की कंपनी जो कि ई कॉमर्स में डील करेंगी, क्या उनमें जॉब अपॉर्चुनिटी करना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। ये एक रिजल्ट हो सकता है उसका, लेकिन उसका सिर्फ डीमोनेटाइजेशन का ये पर्पज़ नहीं हो सकता। टू कर्ब टैक्स इवेजन, जो टैक्स चोरी है उसको रोकने के लिए, यस ये मेन रीज़न था जिन्होंने, यहाँ तक कि कईयों ने तो जो नदियों में पानी बहुत सारे जो पैसे है मीडिया में आई थी चर्चा कि वो फेंके, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्पज ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, उनका पर्पज क्या था। तो उनका पर्पज 14 बैंक है उस टाइम में नेशनलाइज किए गए थे। प्रॉब्लम यह आ रही थी कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक थे जिसको पूछते थे क्या कर रहा है बैंक है, जैसे आज का टाइम प्रॉपर्टी डीलर उस तरह से बैंक हो गए थे। तो एक्चुअल में जो फॉर्मल क्रेडिट होता है ताकि जनता को एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपने सेविंग वहाँ पे कर सकें, वहाँ से लोन लिया जा सके, तो इस तरह से एक प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम जो क्रेडिट फ्लो है इंडिया में उसको करने की ज़रूरत थी। उसको ध्यान में रखते हुए टू इंश्योर गवर्, और वो प्राइवेट सेक्टर है उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहा था, सोशल ऑब्जेक्टिव भी मीट नहीं कर रहा था, लोगों तक तो इजी एक्सेस नहीं था क्रेडिट का, तो टू इंश्योर गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकोनॉमी बेसिक ये नहीं था,
बल्कि इजी एक्सेस टू क्रेडिट फॉर द कॉमन पीपल है, आम जनता को लोन आसानी के साथ, लोन के साथ या बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जा सके, वो उसका उद्देश्य ज़्यादा था। मार्केट टू मूविंग टू मार्केट इकोनॉमी नहीं था, क्योंकि ये तो नेशनलाइजेशन हुआ था, जब अपोजिट ऑफ मार्केट इकोनॉमी का नेशनलाइजेशन होता है। क्रिएटिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी ऐसा सच ऑब्जेक्टिव नहीं था, हालांकि ये अलग बात है कि एज ए रिजल्ट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो बढ़ती है। तो ऑब्जेक्टिव तो क्या था कि जनता तक क्रेडिट को पहुंचाना। आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो RBI एक्ट सेकेंड लिस्ट में बैंक होते हैं उनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं, उसमें यस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, RRB बैंक होते हैं वो, और LIC नहीं है। LIC 1956 में बना था, LIC एक्ट। मार्केट इकोनॉमी में, इन मार्केट इकोनॉमी रेलवे एयरलाइंस आर ऑन बाय द गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी होती क्या, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि रेलवे और एयरलाइन सरकार द्वारा, सरकार के पास होती है, उसका कंट्रोल ऐसा नहीं होता, ये नहीं हो सकता। लीस्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, ये प्रॉपर आंसर होगा इसका। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, और जो प्लेयर होते हैं वो आपस में कंपीट करते हैं, और प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें अनइक्विटी हो सकती है, अनइक्वलिटी हो सकती है, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट ऑन सोशल बैकग्राउंड, इसका ठीक उल्टा आमतौर पे रिजल्ट आता है, तो ये नहीं हो सकता। लेस फोकस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कोई रियल नहीं मुद्दा नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा ही फोकस हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी क्या बोलती है कि सरकार इंटरवेन न करे, इंटरवेंशन सरकार का कम से कम हो, ये मेन उसका मार्केट इकोनॉमी का अध्याय होता है। तो आंसर क्या हुआ, लिस्ट इंटरवेंशन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में स्टेबल क्या है निम्नलिखित में से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से लोग इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में वापस ले जाएंगे तो ये स्टेबल नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोग इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, उनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगा, जॉब इंप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो ये पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव एक डेवलपमेंट होती है इसका, ये करेक्ट आंसर है। और देख लेते हैं इसमें फिर, ये देखो, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट होती है। लोन लेना एक स्टेबिलिटी का सिंबल नहीं हो सकता। डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार का जो बजट घाटा होता है उसको फाइनेंस करने के लिए RBI अगर उसको पैसे दे ट्रेजरी बिल के बदले में, तो ऑब्वियसली क्या है कि ये एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग लिमिट में एक फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो घाटे का सौदा होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा सकता है, तो ये भी एक चीज़ नहीं हो सकती। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पैसे आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट, सरकार भी इसके ऊपर फोकस करिए, जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आंसर इसका बी होगा, स्टेबल फॉर्म है ये। सिक्स क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टू कम्युनिटी इज डिनोटेड बाय, ये बहुत ही फेमस होती है, आप इसको याद रखिए हमेशा, डिमांड और सप्लाई में इंडिफरेंस करो। आंसर होगा इसका सी। और ये होता क्या है, ये इस तरह से आपको मिलेगी, जो दो कम्युनिटीज होती है एक्स और वाई, इसका जो कम्बिनेशन है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट है और इसका 15 यूनिट है, ये 6 है और ये 18 है, सेम लेवल ऑफ सेट 18 और फॉर एग्जाम्पल 6, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है इस कर्व के दौरान। क्वेश्चन नंबर 7, मेन इफेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज ऑन। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स किसको बोलते हैं, जो सिक्योरिटीज पे लगता है, और वो क्या होगा, वो इनकम टैक्स होगा, ये इनकम होती है उसके ऊपर डायरेक्ट लगेगा। तो इनकम टैक्स जब आप बजट में देखेंगे, जो थ्योरी क्लासेस थी मैंने उसमें दिखाया था आपको कि गवर्नमेंट ने कैसे लगाया था, और उसमें जो इनकम टैक्स होता है उसके अंदर कई हेडिंग थी, तो उसमें ये भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, वो भी एक हेडिंग थी। आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एंटी डंपिंग इज लेविड व्हेन। एंटी डंपिंग और डंपिंग का क्या मतलब होता है, जैसे चाइना है, चाइना इंडिया में, वहाँ पे जो लागत आती है, जो कंपनी चाइना में सामान बना रही है उससे कम रेट पे इंडिया में बेचने की कोशिश करे, तो वो उसका मकसद क्या होता है कि इंडिया के बाज़ार को थोड़ा बाहर करना है। जैसे कि मान लो जियो है, जियो बहुत ही सस्ते में या घाटे में एक बार मार्केट बनाने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अगर कोई देश में, दूसरे देश में जाकर ऐसा करना स्टार्ट कर दे, तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट को ख़त्म करने वाली चीज़ होगी और सामने वाला देश अलाउ नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली चाइनीज कंपनी को इंडिया इस तरह से अलाउ नहीं करेगा, उसके लिए सख्त ड्यूटी लगा देगा, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिससे कि वो अपने
जो वहाँ पे कॉस्ट है उससे नीचे नहीं बेच पाए। टू स्टॉप सेल एट ए लोअर प्राइस देन द मार्जिनल कॉस्ट टू एंट्री इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द फॉरेन प्लेयर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि आप उसको सेल करने से रोकना है लोअर प्राइस पे, जिस लागत से, मार्जिनल कॉस्ट से, सीमांत लागत जिसको बोलते हैं, उससे नीचे पे नहीं बेचे वो, इसके लिए टैक्स लगा दिया जाएगा, एंटी डंपिंग बोलते हैं, अगर कोई देश डंप करने की कोशिश करे सामान को। क्वेश्चन नंबर 9, मोनोस्पैमिंग क्या होता है? मोनोपोली का उल्टा होता है। मोनोपोली में एक सेलर होता है, एक ही उसकी मोनोपोली होती है, और मोनोस्पैमिंग में एक बायर होता है, हो सकता है डिफेंस सेक्टर जैसे कि रेलवे है, ये एक एक बायर होते हैं। तो आंसर क्या हुआ? वन बायर। गिनी कोफिशिएंट इंडिकेट एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, ये कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उस कोफिशिएंट को बोलते हैं। पॉपुलेशन में अगर 10% लोग बहुत अमीर है, 80% उनके पास वेल्थ है, इस तरह की जो कोफिशिएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोएस्ट कंट्रीब्यूशन सेक्टर फ्रॉम फॉलोइंग इन जीडीपी। निम्नलिखित में से सबसे कम जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोल होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, फिर माइनिंग, पावर और इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीज़ों का इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। एक तो ये है माइनिंग, इसका मतलब सबसे कम हुआ। एग्रीकल्चर का ज़्यादा लगभग 13-14% के आसपास है, लेकिन माइनिंग का तो काफ़ी उससे कम है। मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली 18-19% के आसपास होता है। सर्विसेज का सबसे ज़्यादा होता है। हमने इस क्वेश्चन में इंडस्ट्री का जो सब पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, जिससे स्टूडेंट इसमें और इसमें कन्फ्यूज़ होने की संभावना इसमें हो सकती है। तो ऑब्वियसली आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है, का आर्ग्यू क्या है? ट्रिकल डाउन थ्योरी का संबंध होता है लेजी फेयर इकोनॉमी से, मार्केट इकोनॉमी से, फ्री इकोनॉमी से। इसका मतलब गरीब इसमें गरीब हो सकता है, अमीर ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। अमीरों को बेनिफिट अगर दिया जाता है तो उनका जो इम्पैक्ट आता है, जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलती है, उसका इम्पैक्ट सभी तक पॉजिटिव आएगा, ये उसका बोलना है। तो कैपिटल गेन टैक्स ब्रेक्स टू लार्ज बिजनेस, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो वो उत्पाद करेंगे, कोई चीज़ को बनाएंगे, उसके ऊपर जो टैक्स पे लगे, या उनका जो परचेज और सेल का जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लगे और उसमें छूट मिले, तो ओब्वियसली क्या है कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी में एक इम्पैक्ट आता है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है, इकोनॉमी बड़ी बनती है। और ये जो सोशल इकोनॉमी से रिलेटेड उल्टा होती है ट्रिकल डाउन थ्योरी का, सब्सिडी देना या प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को करना, सर्विस मोटो होना, सर्विस मोटो नहीं होता, प्रॉफिट मोटो की तरफ इंडिकेट करता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, मार्केट इकोनॉमी। आंसर इसका ए होगा। फिर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर, सीएजी इसको बोलते हैं, सीएजी डज नॉट ऑडिट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। जो सीएजी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या उन कंपनी डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड या केंद्र सरकार से रिलेटेड उनका करती है। तो एसबीआई केंद्र की सरकार, एनटीपीसी पोस्ट ऑफिस, ये सारी सरकारी कहीं ना कहीं फर्म है, एंटिटी है, कहीं कहीं रोल है सरकार का, लेकिन पेटीएम प्राइवेट सेक्टर है बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल आसान सा आंसर है, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी कि होता क्या है, करता क्या है। तो आंसर ए। डाइग्रेसिव टैक्स वो क्या होता है? देखो, जो टैक्स पहले इस तरह से लगेगा प्रोग्रेसिव और उसके बाद स्टेबल हो जाए, उसको डाइग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। प्रोग्रेसिव लेकिन आफ्टर दैट इट बिकम्स स्टेबल, प्रोग्रेसिव अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देन स्टेबल, सी इसका आंसर होगा। एक्साइज ड्यूटीज ऑन अल्कोहलिक प्रोडक्ट आर लेविड बाई स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल आसान सा आंसर है। आपको याद रखना है कि अल्कोहल, नारकोटिक्स वगैरह पे सरकार जो ड्यूटी लगाई जाती है एक्साइज ड्यूटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाई जाती, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, हाईएस्ट रेवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम विच टैक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा टैक्स आता है वो कॉरपोरेट टैक्स से आता है, कंपनियों को जो लगता है उसके ऊपर टैक्स सबसे ज़्यादा इनकम होती है। जी इसका टोटल टैक्स रेवेन्यू में ज़्यादा रोल होता है, और उन्होंने पूरे इसमें देखा भी था कितने आंकड़े थे जब हमने थ्योरी पे क्लास की थी। मोनेटाइजेशन विल कम अंडर डी मोनेटाइजेशन, क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, या दोनों है? देखो, जो बैंक से रिलेटेड चीज़ होती है, कोई बैंक करेगा मनी सप्लाई से रिलेटेड, वो आएगा मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव था वो तो टैक्स इवेजन से रिलेटेड था, और टैक्स का रोल होता है वो फिजिकल पॉलिसी के साथ होता है।
टैक्स इवेजन से रिलेटेड हुआ या फिर जो फॉर्मल सिस्टम बनाना है बैंकिंग सिस्टम इन ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रांजेक्शन करें, डिजिटल इकोनॉमी को अपनाएं, तो वो गवर्नमेंट की रोल ज़्यादा होता है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डीमोनेटाइजेशन है, गवर्नमेंट का भी रोल हुआ और आरबीआई का भी रोल हुआ, क्यों, आरबीआई इसको इंप्लीमेंट कर रहा था। तो डीमोनेटाइजेशन अल्टीमेटली दोनों का कम्बिनेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन द मार्केट बाय, मनी सप्लाई मार्केट में कैसे बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोगों के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर आ जाती है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है लोन जिन्होंने ले रखा है वो कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होने से उनको ज़्यादा कम ईएमआई देना पड़ता है और ज़्यादा पैसा वो बैंक में जमा कराने के पास अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो मनी सप्लाई बढ़ने लो कब बढ़ेगा मार्केट में, जब लो इंटरेस्ट रेट होगा तो वो बढ़ेगा और उससे महंगाई बढ़ सकती है। ये क्यों नहीं हो सकता, आंसर मोर डिमांड्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। देखो मनी सप्लाई है वो किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन ये है, ये नहीं है कि डिमांड ज़्यादा हो गई तो मनी सप्लाई बल्कि कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट में क्या होगा कि महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको रोकने के लिए फिर आरबीआई एक्शन लेगा कि वो कम करे इस मनी सप्लाई को। तो ऑब्वियसली इसका रिलेशन डायरेक्ट नहीं होगा, ये क्यों हो रहा है, ये लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से वो मनी सप्लाई होगा, ये इसका आंसर होगा सी। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अमीर और गरीब के बीच में खाई कम हो, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज मेजर रोल, फिजिकल पॉलिसी प्लेज मेजर रोल, प्रोपोर्शनल टैक्सेस प्ले मेजर रोल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेज मेजर रोल। एफडीआई का संबंध किससे होता है, एफडीआई का संबंध फ्री इकोनॉमी से होता है, मार्केट इकोनॉमी से होता है, और वो क्या है कि वेल्थ की तरफ बढ़ाता है, तो इसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको फायदा हो सकता है, तो ये गरीब और अमीर के बीच में डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। प्रोपोर्शनल टैक्सेस वो होते हैं जिसमें समान रूप से सब पे टैक्स लगे, प्रोग्रेसिव टैक्स जो गरीब होते हैं कम और अमीर होते हैं ज़्यादा, तो ये उल्टा हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है मनी सप्लाई की बात करता है, और जो टैक्सेशन के जरिए अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगा देना, गरीब पे कम लगाना, उसका रोल करना या सब्सिडी देना, इस तरह की जो चीज़ें होती है सोशल वेलफेयर की स्कीमें, वो किस में आएगी, फिजिकल पॉलिसी में। तो इसका फिजिकल पॉलिसी ये मेजर रोल अदा करता है, आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, एजुकेशन भी आता है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनको अगर लोन देने की बात हुई तो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो ये उसमें नहीं आता, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो जोन होते हैं, एक्सपोर्ट इसका मेन एजेंडा होता है, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं, उसको ये हो सकता है कि उसको स्पेशल रियायत दी जाए अन्य तरीके से, तो आंसर इसका ए होगा। और एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आना जरूरी है, तो वो नहीं आते इसमें, तो इसमें आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि छोटे शहर में कोई रह रहा है, बड़े शहर में बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकती है लेकिन छोटे शहर में ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो छोड़कर जाना भी नहीं चाहता, या उसको मार्केट में जॉब कहाँ पर हो सकती है किसी को ये पता नहीं चले, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, या वो जाना नहीं चाहता, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, इस वजह से उसको जॉब लेने में दिक्कत आ रही है, या उसको या तो जॉब नहीं मिल रही, या मिल रही है तो काम चला उसे मिल रही है, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ सकती है वो, लेकिन उसको बोलते क्या है कि लैक ऑफ करेक्ट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन की वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक IBRD वर्ल्ड बैंक का पार्ट होता है, IDA वर्ल्ड बैंक का पार्ट होता है, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC इंटरनेशनल, ये भी होता है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी ये नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग संस्था होगी। क्वेश्चन आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो काम है वो तो करेंसी से रिलेटेड होगा, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी को देखना। क्वेश्चन नंबर 23, द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बी इंक्रीज। टैक्स कम होता जाता है, पहले टैक्स ज़्यादा फिर कम होता जाएगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, उस टैक्स को क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो पहले स्टार्टिंग कम होता है जो इंडिया में जैसे, और बाद में फिर बढ़ता जाता है जैसे इनकम बढ़ती है, 10 लाख पे ज़्यादा, 20 लाख पे और ज़्यादा, इस तरह से। और उसका अपोजिट होता है रिग्रेसिव टैक्स, तो ये तो कम हो रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, तो कौन सा हुआ, रिग्रेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 24,
व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो इट विल, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब आरबीआई है कैश रिजर्व रेशियो है वो कम करेगा तो इन मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, डिक्रीज इन, देखो कैश रिजर्व रेशियो अगर कम किया जाता है तो क्या होगा कि बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं मार्केट में। जब ज़्यादा लोन जाएगी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो महंगाई या डिमांड है वो मार्केट में बढ़ेगी। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड, सबसे ज़्यादा लिक्विड निम्नलिखित में से कौन से है? लिक्विड क्या होगा आपके पास है, कोई चीज़ इमीजिएटली खरीद पाएँ उससे। सोना अगर आप लेकर जाते हैं बस में बैठते हैं तो क्या कंडक्टर आपसे लेगा? नहीं लेगा। एग्रीकल्चर लैंड क्या ऐसा बेची जा सकती है? नहीं, बहुत इसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। करेंसी नोट है आपके पास है जेब में, आप कुछ भी चाय पी नहीं है चाय पी सकते हैं, ऑटो में जाना है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, जहाज में जाना है, कहीं पे जा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है। चेक कोई ज़रूरी नहीं चाय वाला ले, तो इसलिए सबसे ज़्यादा करेंसी है जो लिक्विड होती है वो करेंसी नोट है। इन चारों में से करेंसी नोट और जो कॉइन्स होते हैं सबसे लिक्विड होते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका, 100 क्वेश्चंस हैं, हम पूरे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।